हेलो फ्रेंड, मैं अर्षी गया बिहार से और आप देख रहे हैं अर्षी टेरिस गार्डन। सो फ्रेंड देखिए, मैं अपने टेरिस पे आ गई हूँ और हमारा टेरिस अभी बहुत हरा भरा चल रहा है। मार्च आ गया है फिर भी बहुत अच्छे से फ्रूटिंग हो रही है वेजिटेबल में। तो देखिए, ये हमारे सारे वेजिटेबल अभी भी बहुत अच्छे से चल रहे हैं, फूल भी बहुत अच्छे से, फ्लावर भी, पिटूनिया वगैरह अभी भी चल रहा है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ कि हमारे गार्डन में कौन सी फर्टिलाइज़र डालती हूँ। तो वो लिक्विड फर्टिलाइज़र मस्टर्ड केक का, जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि अब मैं इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र डालती हूँ, तो मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र मैं अपने गार्डन में डालती हूँ। और उसे बनाती कैसे हूँ, उसमें कितनी क्वांटिटी एक गमले के लिए होनी चाहिए, तो आज मैं सब बताऊँगी। उससे पहले आप मेरे गार्डन को देखिए एक बार। हमारे गार्डन का ओवरव्यू है, टमाटर में बहुत अच्छे से फ्रूटिंग हो रही है अभी भी, ये देखिए। तो चलिए मैं बताती हूँ कि आज सरसों की खल्ली का कैसे मैं फर्टिलाइज़र रेडी करती हूँ। ये देखिए, ये सरसों की खल्ली है और ये मैं 200 ग्राम ली हूँ अपनी पूरी गार्डन के लिए। ये देखिए, ये एक बाल्टी में सरसों की खल्ली, इसमें मंजूर अंकल डाल रहे हैं और इसे बढ़िया से चला लीजिए। और गर्मी के लिए अगर बना रहे हैं तो 4-5 दिन रखिए फर्मेंट के लिए, रोज़ाना एक बार चलाना है। और यही चीज़ अगर ठंडी के लिए बना रहे हैं तो कम से कम हफ्ते दिन रखना पड़ेगा, एवरी डे एक बार लकड़ी की सहायता से इसे चलाना पड़ेगा इस तरीके से। तो ये देखिए, मैं 4 दिन के बाद आपको ये दिखा रही हूँ, ये बहुत अच्छे से लिक्विड फर्टिलाइज़र रेडी हो गया है और फर्मेंट भी बहुत अच्छे से हुआ है, क्योंकि यहाँ पर गर्मी थोड़ी हो गई है और धूप भी बहुत कड़ा होने लगा है। तो देखिए, ये एक बाल्टा में भरकर पानी रखी हुई हूँ और इसमें एक मग्गा, क्योंकि ये गाढ़ा है इसलिए एक मग ले रही हूँ और इसे बढ़िया से चला लूँगी। एकदम पतला फर्टिलाइज़र बनाना है, ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए। एक तो थोड़ा गर्मी भी आ गई है और ज़्यादा गाढ़ा दीजिएगा तो आपका प्लांट ख़राब हो जाएगा। तो मैं इसी तरीके से बनाती हूँ, इतने ही पतला फर्टिलाइज़र रेडी करती हूँ। देखिए, ये हमारा फर्टिलाइज़र रेडी है और इसका कलर देखिए एकदम लाइट येलो है। और ये अच्छे से चला लीजिए, मिला लीजिए। उसके बाद एक एक जग, मेरा ये बैंगन का पौधा है, मैं इस बैंगन के पौधे में एक एक जग से थोड़ा कम, ये एक जग इतना डाल सकते हैं। ये 12x12 का ग्रो बैग में लगा हुआ है और इसको डालने से बहुत फ़ायदा होता है। मैं हमेशा देखी हूँ कि जब भी मैं फर्टिलाइज़र डाल रही हूँ तो ये छोटा पौधा है तो वो तो थोड़ा साइज़ भी बढ़ जाती है, और अगर फ्रूटिंग में है, फ्लावरिंग वगैरह कर रही है तो फ्रूटिंग बहुत अच्छी होती है, इससे लीफ इसका बहुत अच्छा रहता है। तो इस तरीके से आप घोल बनाकर अपने गमले में, अपने बेल में भी, और ये देखिए, ये बैंगन है, बैंगन में मैं डाल ही रही हूँ। इसी तरीके से पूरे, मतलब जितना मेरा गार्डन में लगा हुआ है, सिर्फ सैकुलेंट छोड़कर और इंडोर प्लांट छोड़कर मैं सब में डालूँगी। एक चीज़ का सावधानी रखिएगा कि आप इसकी जो लीफ होती है वो मिट्टी से टच ना हो, जो हो उसे निकाल दीजिए। और ये देखिए, अगर मिट्टी से रेगुलर लीफ टच होती रहती है ना तो फंगस होने का चांसेस ज़्यादा होता है। ये मेरा बैंगन का पौधा, इसमें मैं 2 लौकी का ऐसे ही सीड डाल दी थी, वो भी निकल जर्मिनेट कर गया है, इसे मैं हटा दूँगी। तो ये देखिए, ये हमारा टोटल वेजिटेबल में तो डल गया, अब ये फ्लावर में मैं डाल रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।